क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सी मतलब जंगल से प्राप्त होती है? और क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी धातु है जो पानी के संपर्क में आने के बाद आग लग जाती है? तो आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, आश्चर्यजनक। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, फैक्ट नंबर वन, गर्मी के दिनों में एफिल टावर, आप जानते हैं एफिल टावर पेरिस में है, लंदन में, जो अजूबे में शामिल है। तो गर्मी के दिनों में ये एफिल टावर 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, गर्मी के दिनों में सिर्फ। फैक्ट नंबर टू, पृथ्वी के ऑक्सीजन का 20%, पृथ्वी पर जितने मतलब ऑक्सीजन है, जितनी मात्रा मतलब ऑक्सीजन है, 23% या 20% पृथ्वी में मात्रा है ऑक्सीजन की, उसमें से मतलब कोई भी वस्तु 100% होती है, तो उस ऑक्सीजन जितनी मात्रा पृथ्वी पर है उसमें से 20% ऑक्सीजन की प्राप्ति अमेजन वर्षा वन द्वारा निर्मित होता है। मतलब अमेजन जो जंगल है, अमेजन आप जानते ही होंगे ब्राज़ील में है ये जंगल, तो आप जानते हैं कि अमेजन जो जंगल है इससे ये प्राप्त होती है। और इसकी आपको क्षेत्रफल भी बता देते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल है 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फैक्ट नंबर थ्री, कुछ धातु इतने प्रतिक्रियाशील होते हैं कि वो पानी के संपर्क में विस्फोट करते हैं। कुछ धातु जो पानी के संपर्क में आने से विस्फोट करते हैं, जिन्हें किरोसन जो चीज़ होती है, आप जो नाम सुने होंगे, तो किरोसन में उसको डुबा के रखी जाती है। तो वो कौन कौन सी धातु है एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, उनमें है पहली सोडियम, फिर दूसरी पोटेशियम, फिर तीसरी लिथियम, और चौथी है रुबिडियम, और पाँचवीं सीजियम। तो चलिए अगले फैक्ट में चलते हैं, फैक्ट नंबर फोर चलो आपको बता देते हैं। फैक्ट नंबर फोर है कि मतलब जैसे कि अगर आप मतलब आप अगर वेबसाइट जो देखते हैं नेट पे, इंटरनेट पे, जो गूगल पर सर्च मारते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो एक वेबसाइट पे ओपन होता है, जैसे कि विकिपीडिया पे कोई वस्तु ओपन होती है, कोई आप चीज़ करते हैं तो उसको ओपन होती है। तो अगर आप वेबसाइट देख रहे हैं और लगातार हर वेबसाइट को आप एक मिनट देखेंगे, तो और दुनिया की सारी वेबसाइट को आप देखेंगे, तो देखते देखते आपको 31,000 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 31,000 साल लग जाएंगे। तो ये अमेजिंग है कि मतलब 31,000 साल, मतलब कितनी वेबसाइट है एक मिनट देखते हैं, तो मतलब 31,000 से ऊपर वेबसाइटें हैं मौजूद आपके इंटरनेट में। चलिए फैक्ट नंबर फाइव चलते हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ ऐसी प्रजाति हैं जानवर की, जैसे कि हमारे में जैसे कि होता है कि कोई आदमी लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, कोई आदमी राइट हैंड से लिखता है, और कोई आदमी लेफ्ट हैंड से कोई काम करता है, कोई आदमी राइट हैंड से कोई काम करता है, उस तरह कुत्ते भी बिल्लियाँ में ऐसे होता है कि कोई कुत्ते लेफ्ट हैंड से कोई काम करते हैं और कोई कोई राइट हैंड से काम करता है। चलिए फैक्ट नंबर सिक्स पे चलते हैं, ज़्यादातर अगर विज्ञापन जो आप देखिएगा घड़ी का, मतलब वॉच, जैसे विज्ञापन आप अगर वॉच का देखिएगा, वॉच का विज्ञापन देखिएगा, ये हो गया वॉच, तो वॉच का जब विज्ञापन देखिएगा आप, तो उसमें क्या होता है कि आप जो विज्ञापन मतलब चाहिए, आप गूगल पर पहले सर्च कीजिए कि वॉच पर सर्च कीजिए, देखिए जितने भी फोटो आएंगे उन सब में क्या होगा कि टाइम जो होगा सेम होगा। क्या होगा टाइम आपका बता देते हैं, उसमें सब में टाइम होगा 10, उन सब में टाइम यही होगा 10 और 10। तो मतलब ये एक फैक्ट है कि मतलब घड़ी की प्रचार भी देखिएगा, ऐड भी देखिएगा, या गूगल पर सर्च भी मारिएगा ना, तो आपको यही मिलेगा देखने को, उसमें सब में टाइम 10 ही 10 हो रहा है। चलिए तो फैक्ट नंबर सेवन कह रहा है कि अगर मतलब आप बिच्छू देखे ही होंगे, बिच्छू के मतलब शरीर चल रही है, उसके ऊपर अगर आप चल रही है तो अगर उसके ऊपर आप शराब यानी एल्कोहल डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वह बिच्छू पागल हो जाती है, और पागल होने के बाद खुद को डंक मार लेती है।
तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है बिच्छू के बारे में। और इस फैक्ट के लिए आप नीचे क्लिक के बटन पे दबा के हमारे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फैक्ट नंबर 8 पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 8, छिपकली का जो दिल होता है, छिपकली का दिल एक मिनट में कितना धड़कता होगा आपको पता है? हम लोग का दिल, जिसे इंसान का दिल, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अधिकतम जब आप बहुत डरे रहते हैं या बहुत दौड़ लेते हैं तो आपका 150 चल जाता है, 150। जैसे कि जब राकेश शर्मा चांद पर उतरे थे, पहला पैर जब बायां पैर रखे थे उन्होंने, ये भी एक फैक्ट है, तो बायां पैर जब रखे थे तो तब क्या हुआ था कि तो कभी कभी 150 हमारा इंसान की दिल की धड़कन एक मिनट में 150 बार चल जाती है। लेकिन जब राकेश शर्मा जब चांद पे उतरे थे तो उन्होंने लेफ्ट अपना लेग चांद पे पहली बार रखे थे, तो उसमें क्या हुआ कि जब रखे थे तो उनका जब मतलब जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोनॉट जब चांद पे सतह पर उतरता है तो उसके शरीर में गजब गजब किसी गैजेट लगी रहती है, जिसके कारण उसकी सारी विधियाँ जांची जाती है, बीपी से लेकर उसके हर प्रकार के रोग। तो उस तरह लगे होने के यंत्र के कारण उनका जब दिल का धड़कन मतलब देखा गया तो 150 था, यानी 150 मिनट पर, एक मिनट में 150 बार धड़क रहा था उनका दिल। मतलब एक डर सा था क्या भाई, मतलब एक आश्चर्यजनक भी था। तो ये फैक्ट नंबर 9 था हमारा कि छिपकली का दिल, बता देते हैं छिपकली का दिल जो होता है एक मिनट में 1000 बार धड़कता है, उसको कुछ डर नहीं होता है फिर भी धड़कता है, डर होगा तो हो सकता है और बढ़ सके। फैक्ट नंबर, अब चलते हैं आपको 10 पे। 10 है कि फ्रांस में 1386 ईस्वी में लोगों द्वारा, मतलब कुछ लोगों ने एक सुअर, मान लीजिए कोई सुअर होगा गाँव में परेशान कर रहा हो तो उसको उन्होंने मार दिया, तो मार दिया तो क्या हुआ कि जब मार दिया उसको तो वहाँ की जो सरकार है तो पुलिस जो है उसे, उन्होंने पुलिस जो है उन लोगों को जो जो मतलब शोर को मारे थे, जो जो दोषी पाए गए उन लोगों को फांसी की सजा, मतलब फांसी पर लटका दिया गया। सजा क्या सुनाई, लटका ही दिए 1386 में फ्रांस में। आप विकिपीडिया के चेक कर सकते हैं इसको। चलिए फैक्ट नंबर 11 पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 11 है कि तितलियाँ किसी वस्तु का स्वाद अपने पैरों में चखती है। मतलब जो तितली होती है, देखिए एक पैर मतलब बैठती है उस पे पैर से, तो पैर से ही उस स्वाद लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके तितली जो होती है उनके पैर में जीभ होता है, ये भी एक फैक्ट है तितली के बारे में। चलिए फैक्ट नंबर 12 चलते हैं। नीलम ने सबसे पहले अपना, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग आप जानते हो कि वो पहुँचे थे चांद में, सबसे पहले वो चांद पर पहुँचे थे, तो वो जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे जो सबसे पहले चांद पर पहुँचे थे। वो तो ये छोटा मोटा फैक्ट हुआ, लेकिन अगला फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, 12 नंबर फैक्ट है आपका, 12 नंबर फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाले 3 देशों में से, अभी तक मतलब विश्व में 3 देश ये हैं जो सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, जिनमें पहला स्थान है आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा स्थान है जापान का, और तीसरा स्थान है आपकी कंट्री इंडिया का। तीसरा स्थान इंडिया का, तीसरा स्थान सुपर कंप्यूटर बनाने में। तो मतलब भारत का इसमें तीसरा स्थान है सुपर कंप्यूटर बनाने में। तो चलिए फैक्ट नंबर 13 पे चलते हैं। 13, दुनिया के अधिकतर सीरियल किलर होते हैं। आप कई मूवी देखे होंगे, सीरियल किलर ये होते हैं कि मान लीजिए कोई कारण की वजह से नहीं, उनको शौक रहता है कि मर्डर करना, तो उन्हें सीरियल किलर कहा जाता है। तो जो सीरियल किलर होते हैं, कई मूवी देखे होंगे, जैसे एक नया मूवी भी कोई आई थी जिसमें सीरियल किलर था, बहुत सी मूवी मर्दानी भी, आप मर्दानी 2 है जो, उसमें भी सीरियल किलर रहता है, वो शौक के चलते अपना मर्डर करता है। तो जो शौकीन होते हैं मर्डर करने के लिए, उन्हें सीरियल किलर कहा जाता है। तो इस एक अनुमान द्वारा, एक क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, सभी मतलब जितने भी क्राइम है जैसे CBI CID पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार उनमें चेक किया गया कि सीरियल किलर, तो उन सबका कम से कम 95% सीरियल किलर की जन्म जो हुए थे नवंबर महीने में हुए थे। तो मतलब एक
बस फैक्ट था, ये नहीं कि जो नंबर पैदा हुए हैं तो वो सीरियल किलर बनेंगे, नहीं जरूरी नहीं है, मतलब एक फैक्ट था। चलिए 14 नंबर फैक्ट की ओर चलते हैं। सोशल मीडिया है में कोका कोला के बारे में कहा गया है कि जब कोका कोला पहली बार खुला था तो उसने सिर्फ 25 बोतल ही बेचे थे। तो इससे मतलब कहना ये है कि ये कहना है कि मतलब ये कि आप अगर तो 25 बोतल बिके थे, लेकिन ये बात गलत है, लेकिन ये बात हो सकता है कि मतलब कि अगर कितनी भी आपकी शुरू शुरू आपकी कितनी भी हो, लेकिन आप अपना काम बंद मत कीजिए, शुरू रखिए, हो सकता है आगे जाके बढ़े हो, लेकिन ये गलत है कि 25 बोतल बिकी थी। लेकिन कोका कोला जब शुरू हुआ था आपका मतलब बहुत पहले, तो उस समय उस बोतल में नहीं, उसको मतलब ग्लास में बेची जाती थी, और शुरू शुरू लगभग 9 ग्लास बिका था। और फिर जब बोतल आया कोका कोला का था, उस समय का डेट था मतलब 1894 में बोतल में कोका कोला आने लगी। चलिए फैक्ट नंबर 15 पे चलते हैं। अगर दुनिया में अगर 100 लोग 100 वर्ष के पार होते हैं तो उनमें अनुमानतः 4 स्त्रियां होती हैं। तो ये फैक्ट था एक।